towards the Cardinals. सो हेलो एंड वेलकम गाइस, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग पीकी ब्लाइंडर मूवी के लिए वेट कर रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए और जानते हैं इस मूवी के बारे में एवरी डिटेल। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को रिपोर्ट किया था कि इसकी प्री प्रोडक्शन का वर्क है वो चल रही है और बहुत ही जल्द इसकी फिल्मिंग वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी अपडेट निकल के आ चुकी है। जी हाँ गाइस, इसकी जो फिल्मिंग है वो यूके में स्टार्ट हो चुकी है 30 सितंबर को। जी हाँ, आपने ऐसा सुना, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय इसकी फिल्मिंग है वो चल रही है। जी हाँ गाइस, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर के फरवरी या फिर मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये कंफर्म है कि आपको इसकी मूवी है वो 2025 के एंड तक देखने को मिल जाएगी। यानी जो चांसेस है वो आपको अक्टूबर या फिर नवम्बर के बिटवीन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ईयर। फिलहाल अभी ऑफिशियली इस बारे में कंफर्मेशन तो निकल के नहीं आ पाई है कब रिलीज होगी, लेकिन जो करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2025 के एंड तक आपको ये मूवी है वो देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल इस बारे में भी कंफर्मेशन होना बाकी है कि आखिर इस मूवी का टाइटल है वो क्या होगा। तो जो भी हो भी इस बारे में कंफर्मेशन आना बाकी है। और इसके अलावा कास्ट वगैरह के बारे में बात करें तो इस बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही रिपोर्ट किया था, तो अब जाके नेटफ्लिक्स ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इसकी मूवी में आपको जो सीरीज के जो 5 कास्ट मेंबर है वो आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे इस मूवी में। तो जो भी हो, अभी ज़्यादा अपडेट इस बारे में तो निकल के नहीं आ पाई है और ना ही कहानी के बारे में, लेकिन ये कंफर्म है कि इसकी जो कहानी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या रिपोर्ट्स निकल के आती है। अगर बात करें क्या हमें ये मूवी हिंदी डब में देखने को मिलेगी या नहीं, तो बता दूं कि डेफिनेटली आपको ये मूवी है वो हिंदी डब में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवीज में से एक है। और इसके अलावा जो लोग सीरीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो बता दूं सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सीरीज मूवी से कनेक्टेड होने वाली है। तो मेरे ख्याल से इस मूवी के आने से पहले इसकी सीरीज है वो हिंदी में देखने को मिल जाए। मैं आपको फुल्ली कंफर्मेशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो कहानी है वो कनेक्ट है, तो डेफिनेटली आपको इसकी सीरीज भी हिंदी डब में देखने को मिलना चाहिए। तो अभी के लिए इतनी अपडेट है। अगर इन फ्यूचर कोई भी अपडेट निकल के आएगी इस सीरीज यानी पीकी ब्लाइंडर की सीरीज की हिंदी डब को लेकर या फिर इस मूवी के रिगार्डिंग, तो मैं आपको इसकी जानकारी इसी तरह के एक और नए वीडियोज में दे दूंगा।